सब्सक्राइब करें थैंक्स इसो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से सुबह के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और खुदावंद ने आज आपको जीवन और श्वासें दी है। इसके लिए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर की। आज आपने मेरे जीवन में आशीष दी है, मुझे बरकत दिया है, मेरे घर परिवार मेरे बच्चों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपकी हम महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में खुदावंद ने एक नया सूर्य उदय किया है, एक नई किरण, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर की महिमा करें और उसका धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। आज हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। आज हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आज हमें जवाब नहीं मिलता है। लेकिन इस वचन को अंतिम तक सुनना क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम जिस समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हर एक मसीही भाई बहनों को इन बातों को ध्यान से सुनना होगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन श्वास दिया है, आपके घर को सुरक्षित रखा है। वो खुदावंद ने परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए खुदावंद ने कहा, जिस समस्या का प्रत्येक मसीही को सामना करना पड़ता है वह यह है कि परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार की है। आप हर एक मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की इच्छा के परिपूर्ण था। क्या था? पूर्ण था। समानता एक सिद्ध उदाहरण है। आज हम इस बात के दी गौर से ध्यान से देखें कि आज हमारा खुदावन जो हमारा परमेश्वर था, यीशु मसीह सृष्टि पर आया और लोगों को बचाया, लोगों को शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और बातों दी, लेकिन लोगों ने नहीं ग्रहण किया। जिन लोगों ने ग्रहण किया, खुदावन ने उन्हें आशीष दी और उन्हें अपना बेटा बनाया और परमेश्वर की संतान को ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समानताएं हैं। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, मनुष्य के रूप में थे, तो परमेश्वर ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10:7 में लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। आज हमारी इच्छा क्या है? आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं, आज हमारे घर में बीमारियां हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है, मेरे प्रियो आज हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमें जीवन दिया है, इसीलिए परमेश्वर का पहले तो हम धन्यवाद करें। इसीलिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब आए तो परमेश्वर ने कहा, मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन क्या आज हम करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि आज आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, तो ये गलत बात है। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु मसीह के जीवन को देखा है, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी बातें आई। यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां आई,
लेकिन क्या परमेश्वर डरा? क्या हमारा यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, क्या वो कभी डरा है? नहीं डरा मेरे भाइयों। तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम डरते हैं? यीशु ने वास्तव में अपना वह कार्य पूरा किया था। आज हम जानते हैं पृथ्वी पर करने के लिए पिता के द्वारा उसे सौंपा गया था। यूहन्ना 17:4 में लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो आज हमारा परमेश्वर हमें भी महिमा करने के लिए देता है। आज हम यदि परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो खुदा आज हमारे जीवन में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटे और बेटियों, संसार के लोगों तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने जीवन के लिए आज हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। आज मेरे बेटे के जीवन में दिक्कत है, आज मेरे बेटे के जीवन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, घर में समस्या है, परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानिए, पहले आप परमेश्वर के कार्य को करिए, उसके बाद परमेश्वर आपका कार्य करेगा। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है वह अत्यंत व्यक्तिगत है, यह केवल आप ही के लिए है। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना चाहता है मैं उसे अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कर रखूंगा और तुझे सम्मानित करूंगा और तुझे सम्मान दूंगा इस संसार में, पृथ्वी में। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम अपने मार्ग को, मतलब कि हमारा कार्य क्या है, हमारा काम क्या है, जिस रास्ते में हम चलना चाहते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए है। यदि आज इस सुंदर से समय के लिए खुदावन ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावन आपके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि पौलुस के समय में क्या घटना घटी थी? उसने क्या कहा था? परमेश्वर ने प्रत्येक मसीही के लिए व्यक्तिगत रूप में विशेष कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत रूप में, आपको केवल जो हर एक मसीह भाई बहन है, हर मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग परमेश्वर ने कार्य को निश्चय किया है और विशेष कार्य आपको है। हालेलुया। उसको निर्धारित किया है। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े हमने कि क्या कहा यहाँ पे, हमने से हर एक के लिए अलग अलग दौड़ निर्धारित है। पौलुस यह कहता है, यह कह सका कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। उसने अपनी सेवकाई पूरी की और उसका कार्य पूरा हो गया। पहला तीमुथियस 4:4 और जिस तरीके से हम देखते हैं 7 में लिखा है, प्रेरितों के काम 22:14 में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझसे इसलिए ठहराया कि तू परमेश्वर की इच्छा को जाने। और परमेश्वर चाहता था, क्या चाहता था? कि पौलुस प्रभु की इच्छा को जाने। आज हम जानना चाहते हैं? नहीं, आज हमारे पास समय नहीं है। लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें संभाला है, तुम धीरज धरो। मैंने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग काम दिया है। आज वो आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन की हर एक की घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे अत्यंत वो पूरा करेगा, केवल आप ही के लिए। इस तरीके से हमने देखा परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की योजना बहुत विस्तृत है। भजन संहिता 37:23 में, मनुष्य की गति यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा का मतलब परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर हमेशा जीवन भरा रास्ते को प्रकट करता है। हालेलुया। आज जीवन भरा आपको रास्ता परमेश्वर देना चाहता है, एक एक कदम पर रास्ता प्रकट करता है। तुझे लगातार वो हमेशा कहता है कि तू चलता रहो, तेरे जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं आएगी, न कमी होगी। आज हमें रुकना नहीं है,
आज हमें परमेश्वर के कार्य को लेकर के और महिमा को लेकर के आज अपने घर में बैठ करके दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लगातार बढ़ाते चलूंगा। हालेलुया। आज हमारा खुदा आज हमारे जीवन को छूने के लिए है, हमें अभिषेक करने के लिए खुदावन ने आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को आपने जाना कि हमें पहले परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना होगा, और आपको हर एक मसीह भाई बहनों को जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके लिए हर एक मसीह भाई बहनों के लिए अलग अलग काम दिया है। ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आपको पूरा करना होगा, चाहे जैसे आपको करना होगा। यदि आज आप नहीं सुनते हैं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे काम वो करा करके रहूंगा, चाहे तो जितना भाग चाहे जितना दौड़ तू। यदि आज हम जीवन में परेशान हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे दूर करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें आज प्रभु की इच्छा को जानना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपकी बेटी और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपने हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके
की आज्ञा दो, वह हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत तोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके सोर के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे, यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे, आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आप ने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर, जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, वंदन हो जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान, मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला, आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला है, यीशु मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज आपके जीवन से निकलने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम वित्तीय प्रार्थना दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा, यीशु मसीह के नाम से हम आगे देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाड़ू निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।